पार कर दी है रामचरण ने। उनका बॉलीवुड डेब्यू कब हुआ था और हाल ही में उनके साथ क्या नया हुआ है? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड राज स्टूडियोज। और आज हम बात करने जा रहे हैं रामचरण से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको काफी पसंद आने वाली है। तो उन सारी बातों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको बता दें, रामचरण एक अपकमिंग फिल्म RRR में आने वाले हैं, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं बाहुबली के डायरेक्टर यानी कि SS Rajamouli जी। इस फिल्म में रामचरण के साथ साथ एक और बहुत ही अच्छे और काबिल हीरो होने वाले हैं, जिनका नाम है जूनियर NTR। ये दोनों ही लोग इस फिल्म में मेन लीड में दिखने वाले हैं और जिस फिल्म का सबसे इंतजार काफी लोगों कर रहे हैं। पर आपको बता दें कि हाल ही में रामचरण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एक ब्रांड का, एक OTT ब्रांड का, और उसका नाम है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के हाल ही में बदले गए हैं ब्रांड एम्बेसडर और बनाए गए हैं रामचरण को। और इस डील को करने के लिए उन्होंने एक बड़ी मोटी रकम की मांग की है। आपको बता दें कि रामचरण ने सालाना 5 से 7 करोड़ की मांग की है इस OTT प्लेटफॉर्म की ब्रांडिंग करने के लिए। अब तक की ये सबसे बड़ी डीलों में से एक डील है जो कि OTT प्लेटफॉर्म ने किसी हीरो के लिए रखी है। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी डील की गई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के द्वारा रामचरण के लिए, और उन्होंने भी सारी हदें पार कर दी है इस डिज्नी प्लस हॉटस्टार का हिस्सा बनने के लिए। आपको बता दें, रामचरण यानी कि सुपरस्टार जो साउथ के इतने बड़े हीरो हैं, वो हमेशा ही एक फिल्म साइन करने के लिए 25 करोड़ की मांग करते हैं। और हाल ही में उनकी ये जो फिल्म है RRR, जिसको SS Rajamouli जी डायरेक्ट कर रहे हैं, इस फिल्म में वो प्रॉफिट का भी हिस्सा बनने वाले हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR, आलिया भट्ट और साथ ही साथ ओलिविया मॉरिस जैसे और भी कई सारे एक्टर्स भी शामिल हैं। इस फिल्म में भी कई सारा प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं रामचरण। रामचरण की ये पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा के साथ बॉलीवुड फिल्म जंजीर में उन्होंने पहले ही अपना बॉलीवुड डेब्यू कर लिया था। उस फिल्म के लिए भी उन्होंने 12 करोड़ चार्ज किया था। और आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है SS Rajamouli की फिल्म RRR जो है वो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने वाली है। ये बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ सकती है। बाहुबली 2 का रिकॉर्ड 1,816 करोड़ रुपए का था बॉक्स ऑफिस पर। फिर इसके बाद 969 का था बजरंगी भाईजान का और 854 का पीके का बिजनेस रहा था बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर। अब ऐसे में जब इतना बड़ा बजट के साथ बनी हुई फिल्म RRR इतनी बड़ी कमाई करने वाली है और इतनी ज्यादा फीस लेने के बाद भी रामचरण इस फिल्म के प्रॉफिट का शेयर लेने वाले हैं, यानी कि उनकी कमाई तो और भी ज्यादा होने वाली है। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके की होने वाली है फिल्म RRR? कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि बॉलीवुड के आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो पाए, क्योंकि हम आपके लिए रोज नई वीडियोस लेकर आते हैं बॉलीवुड की हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ के साथ।